सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक अल्टो है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एक दिन हम गाड़ी खड़ी करके छोड़ देते हैं, दूसरे दिन जब हम गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, उसकी बैटरी डाउन हो जाती, सेल्फ केवल कुट कुट करता है और बाकी बैटरी उसकी डाउन हो जाती है। और उन्होंने कंपनी में दिखाया भी गाड़ी को और उसकी बैटरी उन्होंने चेंज कर दी और अल्टरनेटर भी उसका सर्विस करवा दिए, मगर फिर भी वो गाड़ी वही की वही कंडीशन रही है। मगर एक दिन जैसे खड़ी कर देते हैं तो दूसरे दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी उतर जाती है केवल एक दिन में, या फिर शाम तक ही गाड़ी उतर जाती है। अगर सुबह खड़ी करते हैं शाम तक ही बैटरी एकदम उतर जाती है, तो उसी बैटरी भी उसमें नहीं पड़ चुकी है। तो और अल्टरनेटर जो होता है, बैटरी चार्जर जो इंजन में लगा होता है, उसकी भी सर्विसिंग हो चुकी है, मगर फिर भी गाड़ी में वही प्रॉब्लम बनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बैटरी नहीं लग गई है। अब फॉल्ट बचा इंजन में, बैटरी उसकी सही थी मगर इंजन से बैटरी गाड़ी उतर जा रही। मगर इसमें एक ये भी चीज़ है, अगर बैटरी का एक टर्मिनल हटा करके खड़ी कर देते गाड़ी, चाहे एक हफ्ता खड़ी रखो, गाड़ी एकदम हाफ सेल में स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कार से ही बैटरी उतर रही है, बैटरी कहीं डाउन हो रही है, पी रही है, मतलब कोई फंक्शन चालू रह जाता है। तो आज की वीडियो में पूरा यही डायग्नोस करते हैं क्या फॉल्ट उसमें आ रहा है। तो आपको अगर आपकी कार में भी यही प्रॉब्लम है तो आप इसी तरह देख सकते हैं, या फिर आप कोई और दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा और आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी अभी ये कस्टमर हमारे पास गाड़ी खड़ी कर गए हैं, तो हम इसकी पोजीशन दिखा देते हैं क्या है इसमें। जब हम इसमें सेल्फ लेते हैं तो ये देखिए चाबी कट जा रही, मतलब कि इसकी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है। और क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, रात भर में खड़ी रही, तो उन्होंने टोच करके गाड़ी लाए। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले फॉल्ट चेक करते हैं, इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है और किस तरह से आपको चेक करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ये जो आपकी इग्निशन वाली चाबी है, इसको आपको पूरा कट कर देना है। सबसे पहले आपको इसका फॉल्ट चेक करने से पहले ये हमने पूरी काट दिया है। और अगर लाइटें वाइटें कोई चालू है तो उसको भी बंद कर दीजिए। और उसके बाद बैटरी का निगेटिव वाला एक टर्मिनल आप हटाइए, और एक पुश बल्ब जो होता है आपके हेडलाइट में लगा होगा सिंपल, अगर वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक बाहर से खरीद लीजिएगा, 5-10 रुपये मिलेगा। उसको इस तरह से बल्ब लेना है, 12 वोल्ट का बल्ब, और एक सिरा बल्ब का हमें कार के टर्मिनल पे लगाना है और एक दूसरा बैटरी पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी बल्ब जलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल गाड़ी, ज़्यादा हाईटेक गाड़ी नहीं है, ना ज़्यादा इसमें वो लगे अप्लायंस लगे हुए हैं, तो सिंपल इसमें बल्ब ये नहीं जलना चाहिए। तो ये बल्ब जल रहा है तो इसकी हम क्या हो सकता है। तो चलिए हम सिंपल इसका चेक करते हैं कि इसमें कोई मतलब सिस्टम चालू रह रहा है, मुझे लग रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं एक बार इसका टर्मिनल बैटरी में लगा देता हूँ, फिर अंदर से देखते हैं इसमें क्या चीज़ चालू रह जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम इसका इग्निशन ऑन है उसको हम पूरा, जैसे इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा चाबी कट कर दी, चाबी मैंने बाहर निकाल लिया। फिर आप ये देख सकते हैं जो हमारे इस कार में स्टीरियो लगा हुआ है, बाकी लाइटें वाइटें सारी बंद हैं, जो हमारा स्टीरियो लगा हुआ आप देख सकते हैं इसमें एकदम हल्की सी लाइट जल रही है। देखिए सिंपल सी जो क्लॉक चलती है उसकी लाइट यहाँ पर शो कर रही है, तो इस तरह की इसमें लाइट जल रही है। तो ये तो चलिए इग्निशन ACC ऑन करने पर जलनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ से पावर ऑन किया, ये डायरेक्ट हमारा स्टीरियो ऑन हो गया। तो मैं चाबी ये कटी है पूरी, आप देख सकते हैं फिर से ये एकदम लॉक वाली पोजीशन पे है। तो इस वक्त स्टीरियो किसी भी गाड़ी का नहीं चलता है, कोई भी गाड़ी हो, तो ये स्टीरियो चालू हो रहा है, इसका मतलब इसकी वायरिंग कहीं डायरेक्ट कर दी गई है, किसी ने डायरेक्ट वायरिंग लगा दी गई है या फिर कहीं से शॉर्ट कर रही है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, नीचे जो फ्यूज बॉक्स लगा होता है स्टीयरिंग के नीचे, क्योंकि उसी के अंदर स्टीरियो का फ्यूज होता है, तो हम इसका कवर निकाल लेते हैं और इसी के कवर पर इसके अंदर एक क्लिप लगी होती है जो कि हमारे फ्यूज़ पुलर का काम करती है, प्लास्टिक की होती है। और इस कवर के ऊपर हमें जो स्टीरियो का फ्यूज होगा उसमें लिखा मिलेगा आपको, इसमें रेडियो लिखा हुआ है। तो यहाँ सिंपली जो रेडियो वाला फ्यूज है हम उसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ शो हो रही है। तो हमने ये फ्यूज इसका हटा दिया है, फ्यूज हटाने के बाद फिर हम चलते हैं अपने स्टीरियो की तरफ देखते हैं। ये देखिए इसकी पूरी करंट एकदम सप्लाई जा चुकी है, तो इसकी सप्लाई बाद में मैं कनेक्शन वायरिंग तो इसके मैं बाद में कर दूंगा, पहले इसका जो फॉल्ट है, जो बैटरी रोज़ाना उतर जा रही, उसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने इसमें चाबी लगा दी और इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है, जिस तरह शुरुआत मैंने चेक किया था उसी तरह अब दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ बल्ब लेकर के, उसी तरह से जिस तरह से बैटरी में मैंने शुरुआत में फ्यूज
इसमें यहाँ पर बल्ब लगा करके चेक कराया था। तो अब हमने क्योंकि स्टीरियो का वायरिंग हटा दिया है, फ्यूज़ हटा दिया, तो उसका डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। चाहे तो आप ये देखिए, क्लियर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसमें बिल्कुल अब गाड़ी की बैटरी उतरनी बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही इसमें स्पार्किंग हो रही है। तो इसका मतलब हमारा स्टीरियो ही था जिसकी वजह से कार की बैटरी उतर जा रही है। तो हम चलिए इस कार की बैटरी के टाइमर लगा देते हैं, फिर बाकी अंदर हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि इसकी बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है, इस तरह से सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो फ्यूज है हम इसको फ्यूज लगा देंगे सिंपल, और बाद में स्टीरियो की वायरिंग जो गलत सलत लगी हुई है उसको हम सही कर देंगे। तो पहले हम इसकी फाइल चेक करते हैं, पहले इसको हम धक्के से गाड़ी स्टार्ट करते हैं या फिर कोई एक बैटरी टॉर्च करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब कुछ टाइम से 15 से 20 मिनट इसमें लगेगा, वो हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा, और उसकी बैटरी भी पूरी नई है, अल्टरनेटर की भी सर्विस हो चुकी है। तो ये हमारी कार स्टार्ट है, तो आप देख सकते हैं बंद करी मैंने और स्टार्ट की, तो बैटरी इसकी पूरी चार्ज हो चुकी है। तो चलिए अब दूसरे दिन हम देखते हैं एक दिन खड़ी करके कि क्या होती है कि नहीं। तो गाइस ये है अपना दूसरा दिन, तो इसमें हम अब देख लेते हैं कि कार हमारी स्टार्ट हो रही या नहीं, क्योंकि एक रात ये खड़ी रही है, क्योंकि एक रात भर में बैटरी इसकी उतर जाती है। सेम उसी तरह से हम इसमें चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से इग्निशन ऑन किया और सिंपली स्टार्ट कर दिया, तो देखिए इसकी प्रॉब्लम एकदम सही हो गई, मतलब कि हमारा स्टीरियो ही था इसी वजह से इसकी बैटरी रोज़ाना उतर जा रही थी। अब एकदम कार एकदम ओके हो गई है, या फिर अगर इस तरह से आपकी भी कार में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से आपको बल्ब लगा करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस तरह से लाइट जल रही है या नहीं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे जिसको ये प्रॉब्लम जिसके आ रही हो। तो आई होप दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।